सो आज मैं फर्स्ट मोटो व्लॉगिंग करने वाला हूँ बड़ौदा में, तो आइए देखते हैं फुटेज कैसी आती है और मज़ा आता है कि नहीं आता। मैं तो एक्साइटेड हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपका होस्ट दोस्त करण भट्ट, स्वागत है एक नए व्लॉग में। तो अभी सुबह दिन के बजे है 6:49, आप देख सकते हो टाइम और गणपति बापा का फोटोग्राफ। और अभी मेरा मीटिंग स्टार्ट होने वाला है, तो मेरा हेल्दी ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है, आप देख सकते हो यहाँ पे डिंग डिंग डिंग, मेरे सप्लीमेंट सब कुछ रेडी है। तो जल्दी से हम मीटिंग अटेंड करते हैं, उसके बाद आज आपको कुछ और बताने वाला हूँ, तो बने रहिए। फाइनल गाइस, सुबह की मॉर्निंग मीटिंग मेरी ख़त्म हो गई है और आज मैं ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज आज मैं अपना फर्स्ट मोटो व्लॉग बड़ौदा में करने वाला हूँ। आइए देखते हैं फुटेज कैसी आती है और मज़ा आता है कि नहीं आता। मैं तो एक्साइटेड हूँ, तो चलो सेटअप करते हैं, उसके बाद हम मोटो व्लॉग करते करते बात करेंगे। चेक इट आउट। तो फाइनली बड़ौदा के रोड पर हम निकल चुके हैं, वी आर गोइंग टुवर्ड्स टू ऑफिस राइट नाउ। और ये मेरा फर्स्ट मोटो व्लॉगिंग रहेगा। आई डोंट नो आपको वॉइस क्लैरिटी कैसी आ रही है, बट मैंने एक्चुअली मास्क पहन के रखा है, इसलिए माइक भी आवाज़ मेरी कम आती रहेगी अगर एडी रोक के। लेट्स सी हाउ द क्लैरिटी इज़ कमिंग। अभी मैंने ये वीडियो 4K 24 फ्रेम पर सेकंड्स पे रखा है और ज़्यादा तक मज़ा जन्माष्टमी विसर्जन के टाइम पे आएगा, जब हम विसर्जन के टाइम पे व्लॉग करेंगे, बहुत ही मज़ा आने वाला है। फेस्टिवल, जब इंडिया में फेस्टिवल होते हैं तो बात ही कुछ अलग है फेस्टिवल की। अच्छा काम कर रही गवर्नमेंट, डोर टू डोर व्हीकल जाके कलेक्ट करते हैं कचरा। 8:30 का जॉइनिंग है मेरा ऑफिस का और आई होप हाईवे पे मुझे ज़्यादा भीड़ ना मिले, तो मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं रहेगा। हाईवे पे ट्रैफिक जाम नॉर्मली हो जाता है और मैं बेसिकली ट्राई करता हूँ 7:30 को घर से निकलने का, क्योंकि क्या होता है कि 7:30 को अभी घर से निकलूँगा तो मुझे काफ़ी कुछ रोड पे ट्रैफिक कम मिलेगा, तो वो जो 10-15 मिनट का जो गैप है वो गैप क्लियर हो जाता है, तो जैसे गैप क्लियर होता है तो ट्रैफिक में भी प्रॉब्लम नहीं आती। बड़ौदा के आन शान बान एरिया में इसका नाम है मांडवी। सो गाइस, ये मांडवी गेट है, बहुत पुराना गेट है। पहले वो बताया जाता था कि बड़ौदा जो था वो 4 गेट के बीच में ही सिटी था। वो 4 गेट कौन कौन से है अंकल जी, रुकिए, वो 4 गेट कौन कौन से हैं मैं आपको बताऊंगा। तो ये हमने मांडवी क्रॉस किया, अभी हम जा रहे हैं मकरपुरा की तरफ। और यहाँ की रोड की जो जो फेमस चीज़ें हैं वो भी मैं बताता जाऊँगा। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे एक श्रीहरी नाम की फरसान की दुकान है, वहाँ पे कचौरी और समोसे बहुत अच्छे मिलते हैं। और बड़ौदा का फेमस टमटम, आप सभी ने शायद नाम सुना होगा जो बड़ौदा से बिलोंग करते हैं, श्रीराम टमटम, वो यहाँ पे मिलता है। तो जब भी आप बड़ौदा विज़िट करो श्रीराम टमटम में ज़रूर आइए, आपको बहुत ही पसंद होगा, वो तो पसंद आएगा। ज़्यादा हॉर्न नहीं बजाना चाहिए, मगर यहाँ पर ऐसा है कि जब तक हॉर्न नहीं बजाओगे तब तक आगे वाला सुनेगा नहीं, और आगे वाला सुनेगा नहीं तो रास्ता क्लियर होगा नहीं, और रास्ता क्लियर होगा नहीं तो ऑफिस लेट पहुंचेंगे और आप लेट हो जाएगा, और वो मैं नहीं चाहता हूँ, तो थोड़ा हॉर्न बजाना चाहिए। गाइस, अभी आप ये रोड पे आपको ज़्यादा ट्रैफिक नहीं दिखने को मिलेगा बिकॉज मॉर्निंग टाइम है। रिटर्न में ऑफिस से जब मैं रिटर्न आऊँगा तब यही के रोड का, ये रोड की एक्चुअली ज्योग्राफी चेंज हो जाएगी, कैसे होगी वो आप वीडियो में ही देख लेना।
फाइनली गाइस मैं ऑफिस आ चुका हूँ और ऑफिस का काम खत्म करते और जब मैं 5 बजे लेफ्ट करूँगा ऑफिस को, उसके बाद आगे का मोटो ब्लॉगिंग कंटिन्यू रखेंगे। तब तक टेक केयर, स्टे ट्यून। और ये जो टर्निंग है बहुत डेंजर है, क्योंकि ये टर्निंग में ज़्यादा प्रॉब्लम आते हैं। अभी ये टर्निंग में ज़्यादा प्रॉब्लम इसलिए आते हैं क्योंकि बहुत ट्रैफिक रहता है यहाँ पर। There you go, my boy. वेदर भी अच्छा है आज। आई एम सरप्राइज कि इतनी हवा में भी वॉइस क्लैरिटी अच्छी आ रही है। जब वीडियो सॉफ्टवेयर में डालूंगा, एडिटिंग सॉफ्टवेयर में जब रखूंगा, तब आवाज़ कैसी है इस तरह से एडजस्ट करना पड़ेगा। मगर वेदर इज़ गुड, आई एम एंजॉयिंग। करने का भी फायदा यही है कि आप ट्रैफिक में आपको रुकना नहीं पड़ेगा, मगर हार्श ड्राइविंग नहीं करना है हमें, बिना रफ ड्राइविंग एक्सट्रा। अपने संगम चार रास्ता जो हुए तो थोड़ी सीधा संगम चार रास्ता। ओके, थैंक यू। सो फाइनली घर पे आ चुका हूँ। काफ़ी ट्रैफिक था, आपने मोटो व्लॉग में देखा होगा। डाइवर्जन था क्योंकि गणेश विसर्जन भी चल रहा था साथों साथ, तो डाइवर्जन के कारण मैं दूसरे रास्ते पे आना पड़ा। मगर डैडी जो के थोड़ा टेरेज थोड़ा तो एडजस्टमेंट कर ही लेते हैं। तो आज मेरा फर्स्ट व्लॉग था, मोटो व्लॉग था, मुझे तो बहुत मज़ा आया। तो इसी के साथ हम नए वीडियो में वापस मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।